और मैं हूं सोनम श्रीवास्तव और हमारे इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की एक बेटी गणेशी की। कुदरत ने जिसे प्रतिभा बेशुमार दी है, हौसला सातवें आसमान पर है, लेकिन गरीबी की बेड़िया इसके पैरों में अभिशाप बनकर लिपटी हुई है। लोगों को चाय पिलाकर परिवार के पेट पालने वाले गणेशी के पिता के पास इतनी कुवत नहीं है कि वो अपनी बेटी के टेनिस स्टार के सपने को पूरा कर सके। सीमित संसाधनों में गणेशी ने टेनिस में जितना कर दिखाया है वो बताने के लिए काफी है कि मौका मिला तो कामयाबियां इसके कदम चूमेंगी। दरकार है तो बस एक ऐसे तारहार की जो गणेशी के पंख को परवाज से कर सके। इस विषय पर बातचीत करेंगे, तमाम मेहमानों से आपका तारुफ करवाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट, उसके बाद बातचीत का सिलसिला। खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा भी पूछे बंदे से कि बोल तेरी रजा क्या है, ये जुमला हम बचपन से सुनते आ रहे हैं जो प्रेरणा देती है। लेकिन आज के इस दौर में कई बार ऐसा लगता है कि शायद बुलंदियां हासिल कर लेने पर भी खुदा अपने बंदों की रजा पूछना भूल जाता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बुलंदियां छू रही गणेशी को खुदा उसकी रजा पूछना भूल गया है। एक खिलाड़ी के आंखों में आंसू ये बताने के लिए काफी है कि वो किस दर्द से गुजर रही है। हाथों में हुनर हो, दिल में जज्बा हो और उसे भुनाने का मौका भी, लेकिन आर्थिक तंगी अगर आड़े आ जाए और सरकार भी साथ ना दे तो आंखों से आंसू ही निकल सकते हैं। बहुत मेहनत करते मेरे लिए, मेरे पापा, मेरी मम्मी भी करती है। मैं चाहती हूँ कि मैं देश का नाम रोशन करूँ और उनका भी नाम रोशन करूँ। मुख्यमंत्री को हम मामा कहते हैं, मामा को कुछ कहना चाहिए? यही कि मैं उनसे चार बार मिली लेकिन उन्होंने आज तक मेरी कोई मदद नहीं की, तो यही चाहती हूँ कि मेरी थोड़ी मदद करें। गणेशी आनिया टेनिस की खिलाड़ी है जिसने महज 18 साल की उम्र में टेनिस जैसे महंगे खेल में देश के कई छोटे बड़े टूर्नामेंट जीतकर अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है। अपने खेल के दम पर गणेशी अपनी पढ़ाई के साथ टूर्नामेंट खेलकर अपने प्रदेश का नाम रोशन कर रही है। आर्थिक हालात इतने महंगे खेल की इजाजत नहीं देते, लेकिन यहाँ वहाँ से मदद लेकर गणेशी ने खेल को जारी रखा है। लेकिन इस महीने श्रीलंका में उसे एक बड़ा टूर्नामेंट खेलने जाना है जिसके लिए उसके पास पैसे नहीं है, इसीलिए तीन बार के खेल प्रिय मुख्यमंत्री से वो गुहार लगा चुकी है, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। मुख्यमंत्री से तीन बार लगाई मैंने, तीनों बार आवेदन लिए लेकिन वो मदद नहीं हो पाई। तीन बार मौखिक भी मिला, आवेदन भी दिया उन्हीं के हाथ में मैंने, मगर आज तक कोई मदद नहीं हुई। फिर नरेजी साहब ने करी थी, इंदौर के कलेक्टर भी नरेजी उन्होंने करी थी। अच्छा, प्रधानमंत्री को भी आपने कोई लेटर लिखा है? उनके लेटर भी आ चुके मेरे पास, खेल मंत्री के भी आ चुके, परंतु वो जो मदद मिलना चाहिए वो मिल नहीं रही है। गणेशी के पिता पेशे से एक मामूली चाय वाले हैं जो अपनी तीन बेटियों को लड़कों से कम नहीं मानते और इन बेटियों की जिंदगी संवारने में खुद की जिंदगी को खपा दे रहे हैं। आमदनी इतनी है कि बमुश्किल घर चलाया जा सके, लेकिन सपना ये है कि उसकी बेटियां देश का नाम रोशन करें। इतनी जद्दोजहद के बावजूद अगर कुछ होता नजर नहीं आता तो आंखें छलकना लाजमी है। यहाँ नाउम्मीदी जरूर है पर जज्बा अब भी कायम है। देश में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन आर्थिक तंगी और बदहाली के चलते कई बार खिलाड़ी हताश होकर या मजबूरी में खेल छोड़ देते हैं। गणेशी के साथ प्रदेश के मुखिया ऐसा नहीं होने देंगे, ये उम्मीद की जा सकती है। इस घर में पिता की आंखें नम है, इस घर में माँ की आंखें नम है, इस घर में छोटी छोटी बच्चियों की आंखें नम है और उस खिलाड़ी की भी आंखें नम है, क्योंकि वो अपनी मेहनत से अपने देश का नाम रोशन करना चाहती है। उसकी दरकार सिर्फ इतनी है कि उसकी आवाज मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री सुन ले, ताकि आने वाले वक्त के अंदर वो बड़े टूर्नामेंट खेलकर अपने देश, अपने प्रदेश और अपने शहर का नाम जरूर रोशन करने में कामयाब हो जाए। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ अतियाब शेख, इंडिया न्यूज, इंदौर। टेनिस खिलाड़ी गणेशी के कोच इरफान खान ने बताया कि किन विपरीत परिस्थितियों में गणेशी ने अपनी प्रतिभा को जिंदा रखा है। इस मुद्दे पर इरफान से बातचीत की हमारे संवाददाता एहतियाब शेख ने। एक महंगा खेल खेलने के लिए ये गुदड़ी के लाल इस जगह इंदौर में इस टेनिस क्लब के अंदर अपनी प्रैक्टिस करते हैं। इन बच्चों को मैं गुदड़ी के लाल इसलिए कहता हूं क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो कि बेहद गरीबी के साथ में, एक बहुत तंगहाली की जिंदगी के साथ में निकल कर आते हैं, और आज आप देख सकते हैं कि ये वो बच्चे हैं जो कि टेनिस का रैकेट संभाल कर
टेनिस जैसा महंगा खेल न सिर्फ खेल रहे बल्कि इस खेल में अपने परिवार को और अपने शहर का और अपने देश का नाम भी रोशन कर रहे हैं। इस वक्त गणेशी के कोच मेरे साथ में मौजूद है, इरफान साहब मेरे साथ में मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से ये बच्चे गरीब परिवेश से आते हैं, आप देखते हैं कि ये बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, वो मुकाम हासिल करते हैं, किस तरीके से इनको सपोर्ट मिल पाता है? मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये तो बहुत ही गरीब थे और जिस हिसाब से आए, इन्होंने माइग्रेट किया, टेबल टेनिस खेलते थे, टेबल टेनिस खेलने पर भी इन्होंने टेनिस पर इनके पिताश्री यहाँ पर ले गए कि सर मैं चाहता हूँ कि टेनिस खेलें और सानिया मिर्जा जैसा बनना चाहता है। मैंने इनको ये कहा कि बहुत कॉस्टली खेल है, इतना आसान नहीं होगा क्योंकि स्टार्टिंग में तो आप जैसे भी आप करा सकते हैं, जब ये टूर्नामेंट खेलेंगे तो बहुत कॉस्टली हो जाएगा, तो उसके लिए उस लेवल पर आए। फिर यहाँ पर जैसे जैसे ये आगे खेलते गए, इसने खुद को प्रूव किया, अपने को ऊपर लेकर आए, मैचेस जीते, जितने ऑलरेडी टूर्नामेंट किए थे, चैंपियनशिप, टैलेंट सीरीज, ये सब इन्होंने जीत के अपने को प्रूव किया पहले कि हाँ मैं आगे बढ़ सकती हूँ। तो उसका फिर इनको यहाँ पर टेनिस क्लब से मदद की गई, हमारे सेक्रेटरी साहब अनिल धूपा साहब ने इनको हेल्प करी है, रैकेट के चाहिए, जूते चाहिए, स्ट्रिंग चाहिए, रैकेट चाहिए, सब तरह की इनको मदद की है। कौन सा अपकमिंग टूर्नामेंट? अभी ये श्रीलंका खेलने जा रही है ITF $15,000, जो कि वहाँ बैक टू बैक दो टूर्नामेंट है। इट्स अ वेरी कॉस्टली टूर्नामेंट क्योंकि वहाँ पर इनका रहना खाना खुद करना पड़ेगा, तो इसके लिए प्लस जाने आने का किराया, तो मेरे ख्याल से 1.5-2 लाख का इनका खर्चा रहेगा, मिनिमम बता रहा हूँ। तो ये इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, तो वे किसी न किसी तरह करके हमारी संस्था इंदौर टेनिस क्लब ये कर रहे हैं, इंदौर पब्लिक स्कूल है वो कर रहे हैं, कुछ एक दो संस्था है जो इनकी तरह से मिलजुल इनकी मदद कर रहे हैं। तो ये जाके जी आपको नहीं लगता कि ऐसे बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार को भी आगे आना चाहिए? बेशक आना चाहिए, ये हमारी इल्तजा है हमारे टेनिस क्लब की तरफ से और टेनिस संघ की तरफ से कि मतलब सरकार ऐसे प्लेयर के लिए कुछ करे, क्योंकि बच्चे जब अच्छा कर रहे होते हैं अगर उस समय उनकी मदद नहीं की जाएगी तो कब करेंगे, और इसमें तो सरकार को ध्यान देनी चाहिए। सर, आप इस बच्ची को देखकर आपको उम्मीदें हैं कि ये बच्ची सचमुच में अपना नाम रोशन कर पाएगी बतौर कोच, क्योंकि आप खुद कोच हैं, आप बच्ची को देखते हैं? बेशक, क्योंकि जो इसका जो टैलेंट है, जो इस तरह को प्रूफ किया अभी तक, क्योंकि ये बच्चों से मेरे पास खेल रही, तो मुझे मालूम है इसको थोड़ी सी अगर इसको मदद कर दिया जाए तो डेफिनेटली ये आगे करेगी, आगे बढ़ेगी, ये मेरी पर्सनल राय है। इरफान अहमद खान। चलिए, कोच की बात आपने सुनी, कोच कहते हैं कि बच्चों में टैलेंट होता है, टैलेंट के साथ साथ अगर सरकार थोड़ी सी मदद कर दे तो ये बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको बता दें कि दरअसल गणेशी को अब सरकारी मदद की दरकार है। आपको बता दें कि इसके चलते गणेशी को दरअसल जिस तरह से वो गरीबी के बंदिशों में जकड़ी हुई है, गरीबी की जो बेड़ियां उसके पैरों में पड़ी हुई, इसे लेकर गणेशी अब दरकार कर रही कि सरकार उसकी मदद करे ताकि वो प्रदेश के साथ साथ पूरे देश का नाम रोशन कर सके। आपको बता दें कि गणेशी ने जद्दोजहद करके कहीं ना कहीं प्रदेश का नाम रोशन किया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पैसे की कमी है, आर्थिक तंगी है, उसकी काबिलियत के आड़े आ रही है। इसे लेकर ऐसा नहीं है कि कई संस्थानों ने इसकी मदद नहीं की है, लेकिन वो कहीं ना कहीं नाकाफी साबित हो रहा है। आने वाले समय में श्रीलंका में टेनिस का एक बड़ा आयोजन खेल का होने जा रहा है, इसके चलते गणेशी भी उसमें हिस्सा लेना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पैसे की कमी है, जो आर्थिक तंगी है, उसके चलते गणेशी वहां नहीं जा पा रही, जिसके चलते सरकार से अब वो गुहार लगा रही कि अब उनकी सुनी जाए, पैसे की जो कमी है उसे दूर किया जाए ताकि वो प्रदेश के साथ पूरे देश का नाम रोशन कर सके। तो इस विषय पर बातचीत करने के लिए तमाम अपने मेहमानों से आपका तारुफ करवाती हूँ। हमारे साथ गणेशी टेनिस प्लेयर जिनका हम जिक्र कर रहे हैं वो जुड़ गई हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। इसके साथ ही उनके पिता प्रकाश वानिया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। गणेशी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी, चूंकि आपने प्रदेश का नाम रोशन किया है, इतनी मेहनत करके आप यहाँ तक पहुंची, आपके जहन में ख्याल कैसे आया कि आपको टेनिस प्लेयर बनना है, कहाँ से प्रेरणा मिली? मेरे फादर ने प्रेरणा दी थी कि मैं टेनिस खेलूं और मैं एक अच्छे लेवल पर टेनिस खेल रही हूं अभी, तो मैं चाहती हूं कि अपने और देश का नाम रोशन हो और मैं ITF खेलने जाऊं श्रीलंका। तो किस तरह के दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ता है, क्योंकि टेनिस एक महंगा खेल है, कहीं ना कहीं कई सारी ऐसी समस्याएं आती होंगी जिससे आपको हर दिन 2-4 होना पड़ता होगा, कैसी समस्याएं आपको देखनी पड़ती हैं?
काफी सारी समस्याएं आती है, जैसे पैसों की वजह से प्लेयर्स लोग बाहर नहीं जा पाते, काफी कॉस्टली गेम है ये। अभी श्रीलंका जाना है तो 2 लाख रुपए की जरूरत है, वो अरेंजमेंट नहीं है, तो काफी सारी दिक्कतें आती है खेलने में। क्योंकि गणेशी आप पढ़ाई भी करती हैं, आप स्टूडेंट भी हैं, तो आप कैसे, मतलब टेनिस को तो बहुत समय देना पड़ता है, आप कैसे दोनों को कैसे मैनेज करती हैं? अपनी पढ़ाई भी देखती हैं, आप टेनिस भी खेलती हैं, कैसे आप सारी चीजों को कैसे मैनेज करती हैं? पढ़ाई तो मैं बहुत कम करती हूँ, ज्यादा टाइम अपना मेरा टेनिस पे ही बीतता है, फिर भी मैं पढ़ाई करती हूँ जितना मुझसे होता है, लेकिन ज्यादातर टाइम मेरा टेनिस कोर्ट पे ही बीतता है। चलिए हमारे साथ हमारे अगले मेहमान प्रकाश जी भी जुड़े हैं, जो कि गणेशी के पिता हैं। सर, चूंकि टेनिस की अगर बात कर ली जाए तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है टेनिस एक बहुत महंगा खेल है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा यहाँ पर पैसे की जरूरत पड़ती है। ऐसे में सबसे पहला जो सवाल आपसे ये है कि कैसे आपको लगा कि आपको अपनी बेटी को टेनिस में बढ़ाना चाहिए, खेल में बढ़ाना चाहिए, ख्याल कहाँ से आया? मेरे को ख्याल मैडम यहाँ से आया कि एक मेरा मित्र था, वो मेरे साथ उठता बैठने में वो टेनिस क्लब ले गया मेरे को, तो वो गेम मेरे को भी समझ में आया कि बच्ची को ये खिलाना चाहिए, इस प्रकार से मेरे को ख्याल आया मैडम। जी जी, ख्याल के बाद आपको क्या लगा कि टेनिस में आप अपनी बेटी को आगे बढ़ाना चाहते हैं? जी मैडम, मेरे को ये ख्याल आया कि मेरी बच्ची या जो गणेशी है उसको भी ये आगे बढ़ाना चाहिए, देश के लिए खिलाना चाहिए। मध्य प्रदेश में तो गौरव करा ही है हमने, मध्य प्रदेश इंदौर का गौरव मतलब नाम करा ही है, अब मैं आगे से मैडम देश के लिए खिलाना चाहता हूँ उसको। चलिए बहुत अच्छी सोच है आपकी, लेकिन सर ऐसे में कहीं ना कहीं कई सारी दिक्कतें आपको आड़े आते अनुवाती होगी, कहीं ना कहीं कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ता होगा, किस तरह की समस्याएं ऐसे में आपको देखने को मिलती है, किस तरह की दिक्कतें आती हैं सर? मैडम बहुत सारी दिक्कतें हैं, मतलब पैसे की भी दिक्कत है, गाड़ी घोड़े की भी दिक्कत है, जाना आना भी पड़ता है मेरे को उसको टूर्नामेंट खिलाने के लिए, लोगों की मेरी मदद करते हैं, इंडोर टेनिस क्लब के धोपड़ साहब भी करते हैं, स्पॉन्सर भी करवाते हैं मेरी मदद, और दिक्कत तो आती है मगर मैं दिक्कतों को पीछे छोड़ के उसको आगे की ओर ले आता हूँ। तो ऐसे में आप कैसे मैनेज करते हैं, इतनी समस्याएं भी होती है, कहीं ना कहीं उलझन भी होती है, और ऐसे में आप अपनी बेटी को आगे भी बढ़ना देखना चाहते हैं, तो कैसे आप सारी चीजों को मैनेज करते हैं सर? मैडम मैं चाय की दुकान चलाता हूँ, उसमें जो भी बचत होती है उसका थोड़ा बहुत हिस्सा गणेश के लिए भी रखता हूँ, और टेनिस खिलाने के लिए ये करता हूँ मैं। दिक्कतें तो आती है मगर ठीक है मैडम, दिक्कत आएगी, अब जीवन है, जीवन में तो कई दिक्कतें ऐसी आएगी जो आगे बढ़ने में मुश्किल होगी, और वो भी होगी मतलब ने। चलिए क्या सोच है आपकी, इंडिया न्यूज भी आपकी तो सोच की तारीफ आगे बढ़ने में दिक्कत होगी, ठीक है अब दिक्कत। जी जी चलिए हमारे साथ इरफान जी मैडम दिक्कत थी। प्रकाश जी मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, हमारे साथ इरफान जी भी जुड़ गए हैं जो कि गणेशी के कोच हैं। इरफान जी आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। शुक्रिया जी। इरफान जी, गणेशी चूंकि एक बहुत होनहार प्लेयर है, बहुत होनहार खिलाड़ी है, आप चूंकि उनके कोच भी हैं, ऐसे में पहले तो उसके हुनर के बारे में आपकी जुबानी हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। देखिए गणेशी जो है बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखती है, उनके पिताजी चाय बेचते हैं, और ये जब मेरे पास लेकर आए तो इन्होंने कहा कि भाई मेरे पास कुछ नहीं है और हम कैसे कुछ लाएंगे। मैंने कहा आप लेकर आइए, और अगर इनके अंदर अच्छा पोटेंशियल रहा तो ये ऊपर आएंगे तो जरूर कुछ ना कुछ इनके लिए हम कर सकते हैं, और इन्होंने एक साल के बाद ही काफी अच्छा परफॉर्मेंस शुरू कर दिया, और उसके हिसाब से फिर हमने इनको आगे और तराशा, इनको टूर्नामेंट के लिए भेजा खेलने के लिए, और इसपे हमारी संस्था इंडोर टेनिस क्लब ने काफी इनकी मदद की, ये अच्छा कर रही थी तो उसके लिए इनके लिए जो भी इनको जरूरत थी, इक्विपमेंट की, रैकेट, शूज, स्ट्रिंग, इनके चावल के लिए भी इनको हमने काफी सारे मतलब पैसे दिए जो बाहर जाकर ये खेले और अपने और आगे के रैंक ऊपर लाए, तो हमने इतने सारे इनके लिए सुलह यहाँ पर मुहैया कराई।
लेकिन सर आपको नहीं लगता, चूंकि एक टेनिस ऐसा खेल है जो कि महंगा भी है और लोकप्रियता में भी कहीं ना कहीं कम है, ये कहना गलत नहीं होगा, ऐसे में जिस तरह से इसके जो खर्चे हैं, चाहे वो शूज हो, चाहे वो बैडमिंटन हो, जो भी सारी चीजें हो इसे लेकर, तो कैसे ये सारी चीजें कैसे मतलब आप मुहैया कराते हैं, कैसे मतलब इसे कैसे सुविधाएं दी जाती है ताकि ये जो बच्ची है, जो बेटी है प्रदेश की, वो देश का नाम रोशन करे, प्रदेश का नाम रोशन करे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आर्थिक तंगी है वो आड़े हाथों आ रही है, आड़े आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही हैं। यहाँ देखिए टेनिस का बहुत महंगा खेल है और इतना क्रिकेट का ये फेमस भी नहीं है, इसकी इतनी प्रसिद्धि नहीं है और इसमें अब जो गरीब परिवार के बच्चे रहते हैं, जैसे गणेशी गरीब परिवार से है, तो ये सपना होता है कि हम टेनिस को खेलने का, ये सपना होता है, इतना आसान नहीं होता कि खेलने के लिए जब अच्छा खेलने को मिल जाए, तो इनके लिए सुविधा के तौर पर हमारे यहाँ क्लब में तो कुछ ऐसे हैं बच्चे जो इनके लिए हम करते हैं, जिसमें से एक गणेशी थी जिन्होंने अपने को साबित किया कि नहीं हमारे लिए हम कुछ कर सकते, तो हमारी तो फिर क्लब का भी ये दायित्व बनता था कि इनको कुछ किया जाए और उसके लिए इनको जो भी सहायता हमसे बन सकती थी हमने यहाँ पर किया है इनको। पर आगे के लिए इनके लिए जैसे अब ये बड़ा टूर्नामेंट खेलना चाहती हैं तो इसके लिए इनको बड़ी स्पॉन्सरशिप की जरूरत है, तो वो आसान काम नहीं है, उसके लिए कुछ संस्थाएं आए, आगे आए या सरकार कुछ करे इनके लिए कि कुछ पेंट मुहैया कराएं, कुछ धनराशि मुहैया कराएं कि ये इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेल सके, क्योंकि बहुत ही ज्यादा महंगा होता है। ठीक है, तो क्या ऐसी कोई संस्थाएं नहीं है जो कि ऐसे परिवार को उठा सके, जो होनहार है बच्चे, जो प्रतिभा है जिनमें, उन्हें कहीं उठा सके, ऐसे क्या कोई किसी तरह की संस्था है? नहीं, अभी मैंने एक दो लोगों से बात भी किया यहाँ पर संस्था पर, क्या सब बातें करते हैं पर जब कुछ करने की बारी आती है तो उस लेवल पर आके मदद नहीं करते। टेनिस क्या महंगा खेल है, खर्चे ज्यादा होते हैं, बहुत एक्सपेंसिव रहता है, पर उसकी जो अमाउंट जो बताते हैं तो वो उस लेवल पर दे नहीं पाते हैं। ठीक है, चलिए हम गणेशी के पास आना चाहेंगे। इरफान जी, आपको मैं यहाँ पर होल्ड करना चाहूंगी। गणेशी, चूंकि ये जो खेल की बात कर ली जाए, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं दिक्कतें तो होती होंगी, जाहिर सी बात है कि आपका जो हुनर है उसे कहीं ना कहीं दबाया नहीं जा सकता, आप पूरे प्रदेश का नाम रोशन करी, बेटी हैं आप प्रदेश की और कहीं ना कहीं देश का नाम भी रोशन कर रही हैं, ऐसे में अगर गणेशी बात की जाए आपके हुनर को लेकर, तो कितना समय आप अपनी प्रैक्टिस में देती हैं, कितना आपको कितनी आपको मेहनत करनी पड़ती है टेनिस को लेकर? काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ती है, जब मैं अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock उठती हूँ तो तब से लेकर मैं 1-2 बजे तक खेलती रहती हूँ, उसके बाद फिर मैं 7 बजे से 9 बजे तक फिर खेलती हूँ, तो काफ़ी टाइम मेरा टेनिस पे ही बीत जाता है। तो ठीक है, अब मैं प्रकाश जी आपके पास आना चाहूंगी। प्रकाश जी, चूंकि आपने हमारी जो छोटी सी रिपोर्ट थी जब इंडिया न्यूज़ ने आपसे बातचीत करने की कोशिश की थी, तो आपने भी जिक्र किया था कि ऐसा नहीं है कि आपको जो मंत्री हैं, जो नेता है, जब आपने इस बाबत उनसे बातचीत करने की कोशिश की थी तो उनकी तरफ से भी पत्र आया था लेकिन किसी तरह की मदद नहीं मिल पाई, इस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। सर, क्या कुछ हुआ था, किस तरह की आपको सहायता की बात कही गई लेकिन मिली नहीं सहायता? प्रकाश जी, जी मैडम, वो मैं मुख्यमंत्री जी से 2 से 3 बार मिला हूँ और प्रधानमंत्री जी को भी लेटर पहुँचा है गणेश जी ने, और इंदौर की सांसद सुमित्रा महाजन से भी मिला हूँ, परंतु वो मदद के नाम पे अभी तक कोई सामने नहीं आया मैडम, और मेरे को इसकी फंड की बहुत आवश्यकता लगती है, क्योंकि फंड होगा तो मैं इसको आगे खिलावाऊंगा, अन्यथा टेनिस में फिर इसको नहीं खिलावाऊंगा मैं। चलिए, आप तीनों को यहाँ पर होल्ड करने चाहूंगी। दरअसल हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो खेल मंत्री हैं यशोधरा राजे सिंधिया, उन्होंने कहा है कि जो भी प्रतिभावान हमारे जो युवा हैं, जिनमें हुनर है, कुछ करने का जज्बा है, जो प्रदेश के साथ देश का नाम रोशन कर सकते हैं, वो हमारे पास आए, उनके आड़े जो भी दिक्कतें आ रही हैं उसे दूर किया जाएगा, ऐसा स्पोर्ट्स मिनिस्टर का कहना है, यानी खेल मंत्री है यशोधरा राजे सिंधिया प्रदेश की, उन्होंने ये बातें कही। बहरहाल गणेश जी, आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से खेल मंत्री ने कहा था यशोधरा राजे सिंधिया ने कि अगर हुनर है प्रदेश में किसी युवा के पास तो उससे किसी तरह की समस्या से दो चार होने की जरूरत नहीं है, वो हमारे पास आए, हम उनकी समस्या को दूर करेंगे, क्या किसी तरह की वहां से मदद मिल पाई या वहां पर आपने बातचीत करने की कोशिश की, समस्या को बताने की कोशिश की, तो वहां से किसी तरह की मदद या बात निकलकर सामने आई है सर? अभी तक तो कोई वैसी बात नहीं आई है, लेकिन सब लोग सिर्फ बोलते हैं लेकिन करता कोई नहीं है टाइम पे आने पर,
और अभी मुझे जाना है तो मुझे 2.5 से 3 लाख रुपए की जरूरत है, लेकिन अभी तो ऐसा कोई अमाउंट मेरे पास आया नहीं है जिससे मैं टिकट्स भी करा सकूं। तो मैं चाहती हूँ कि सीएम साहब से भी मैं 3-4 बार मिली, लेकिन उन्होंने भी सिर्फ आश्वासन ही दिया। ठीक है, गणेशी के पिताजी प्रकाश आनिया भी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, मेरा सवाल आपसे था कि चूंकि अब यहाँ पर बात करी जाती है कि खेल को लेकर, चूंकि आपकी बेटी में इतना हुनर है कि जाहिर सी बात है उससे मदद तो मिलनी ही चाहिए, कहीं ना कहीं इस हुनर के आगे किसी भी तरह की समस्या नहीं आनी चाहिए क्योंकि ये हुनर है, इसे दबाना नहीं चाहिए। बहरहाल प्रकाश जी, ये बताइए कि चूंकि ऐसे में दिक्कतें तो होती हैं, जाहिर सी बात है आपको कहीं ना कहीं मदद भी नहीं मिल रही है, ऐसे कौन से संस्था थी, ऐसे कौन से संगठन थे जो कि आपकी बेटी को मदद को लेकर आगे आए? मैडम, ऐसे तो कोई है नहीं, अभी किसी के पास गया नहीं हूँ मैं, मगर अब आगे कुछ ऐसा कोई बताएगा मेरे को कि ये संस्था मदद करती है करती, तो बिल्कुल उनके पास बिल्कुल मैं जाऊंगा और उनसे बात करूंगा कि बच्ची को खिलाया जाए और आगे बढ़ाया जाए ताकि देश का नाम रोशन हो चुके। मेरी तो हार्दिक इच्छा मैडम यही है कि देश का नाम अपने इंदौर टेनिस में भी कमजोर सानिया मिर्जा के बाद हो सका गणेशी का भी हो, भगवान चाहे गणेशी का भी हो जाए कभी, ऐसा मेरी उम्मीद यही है। चलिए, हमारे साथ गणेशी के कोच इरफान जी भी फोन लाइन पर जुड़े हुए। सर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल जी, जी। इरफान जी, चूंकि गणेशी में इतना हुनर है, कहीं ना कहीं जो आर्थिक तंगी है जब वो आड़े आती है तो जाहिर सी बात है गुरु को भी कहीं ना कहीं दुख होता है। क्या महसूस होता है सर जब गणेशी होनहार होने के बावजूद भी कहीं कहीं ना कहीं पैसों की तंगी की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाती है, क्या महसूस होता है सर? देखिए मैडम, बहुत बुरा महसूस होता है कि अच्छा नहीं लगता कि बच्चे में अगर टैलेंट है तो उसको अगर मदद नहीं हो पा रही है, तकलीफ होती है कि बच्ची पूरी मेहनत कर रही है, हर तरीके से सुबह शाम पूरा टाइम दे रहे हैं, पेरेंट्स इनके टाइम दे रहे हैं, तो एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से वो बच्चा बाहर टूर्नामेंट नहीं खेल पा रहा है, अपने से जो नीचे हैं वो इनसे आगे चले जाते हैं ड्यू टू फाइनेंशियल स्ट्रांग कोचिंग के वजह से, और बच्चा जो गरीब है बेचारा वो टैलेंट होने के बावजूद भी वो वहीं के वहीं रुक जाता है। चलिए ठीक है इरफान जी, इरफान जी चूंकि ब्रेक का वक्त हो चुका है, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, इसके साथ ही गणेशी और प्रकाश जी आपको भी यहाँ पर होल्ड करना चाहूंगी। दरअसल ब्रेक का वक्त हो चुका है, लेकिन ब्रेक के बाद इस विषय पर बातचीत जारी रहेगी, बने रहिए इंडिया न्यूज पर। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कहते हैं सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आज का जो विषय है गणेशी, ऐसी होनहार बेटी जो कि कहीं ना कहीं पैसों की कमी की वजह से उसका हुनर जो है वो पीछे हट रहा है, हुनर कहीं ना कहीं रुक रहा है, इसी विषय पर हम बातचीत करते हैं कर रहे हैं। आज एक बार फिर से हम तमाम मेहमानों से आपका एक बार फिर से तारुफ करवा देते हैं। गणेशी जो कि टेनिस प्लेयर है जिनके विषय में हम आज बातचीत कर रहे हैं, और इसके साथ ही हमारे साथ उनके पिता प्रकाश आनिया भी जुड़े हुए हैं। हमारे अगले मेहमान फोन लाइन पर हैं इरफान जो कि गणेशी के कोच हैं। इसके साथ ही हमारे एक नए मेहमान अनुराग ठाकुर जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं एमपी टेनिस फेडरेशन के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। सर, आपके पास आना चाहूंगी अनुराग जी, क्योंकि खेल को लेकर अगर बात कर ली जाए तो कहीं ना कहीं खेल को लेकर तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं और तमाम तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन ऐसी क्या वजह है सर, क्या दिक्कत कहां आ रही कि कहीं ना कहीं जो हुनर है वो पैसों की तंगी की वजह से पीछे हट रहा है, वो भी 21वीं सदी में? अनुराग जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आ रही है जी। सर, मेरा सवाल ये है, 21वीं सदी है, कहीं ना कहीं खेल को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की जा चुकी हैं, खेल को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं, इसे लेकर आखिरकार कमी कहां आ रही कि जहां पर जो प्रदेश का हुनर है, देश का हुनर है, वो कहीं ना कहीं पैसों की कमी की वजह से रुक रहा है, क्या कमी है सर, वो भी 21वीं सदी में? यहाँ तक बात पैसों की है, पैसे की जो जैसे गणेशी आन्या की अगर आप बात कर रहे हैं तो इनके लेवल पर जिस टूर्नामेंट को ये खेलने जा रही है, जैसे इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलने के लिए श्रीलंका इनको जाना है, इसकी मदद निश्चित तौर पर सरकार को करनी चाहिए, राज्य सरकार को करनी चाहिए, केंद्र सरकार को करनी चाहिए। यहाँ तक बात है मध्य प्रदेश टेनिस एसोसिएशन का, तो गणेशी आन्या की मदद मध्य प्रदेश टेनिस एसोसिएशन न केवल आज से पहले जब अंडर 14 से गणेशी ने अपना कैरियर शुरू किया, जब से हर संभव मदद हर लेवल पर, चाहे वो टूर्नामेंट खेलने की बात हो
या ट्रेनिंग की बात हो, मध्य प्रदेश टेनिस एसोसिएशन हमेशा आगे रहा है और आज भी आगे गणेश अन्या के साथ। सर अगर ऐसा है तो फिर गणेशी भटक क्यों रही है? सर नहीं, गणेशी भटक नहीं रही है। आज मध्य प्रदेश टेनिस एसोसिएशन की अगर आप बात करोगी तो वो मदद एक टूर्नामेंट, दो टूर्नामेंट, चार टूर्नामेंट, अल्टीमेटली मदद सरकार को करनी है, केंद्र सरकार को करनी है और भी केंद्र सरकार राज्य सरकार की बात नहीं है, ऐसे कई स्पॉन्सर्स को आगे आना चाहिए तभी हम गणेशी अन्य ऐसे लोगों को प्रमोट कर पाए। सर यहाँ गणेशी की बात नहीं है, अनुराग जी कई ऐसे संस्था हैं जो कि गणेशी की मदद के लिए आगे आए हैं, खुद गणेशी भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप चाहे उनसे भी पूछ सकते हैं। बहरहाल इसे लेकर अगर खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया की बात कर ली जाए तो उन्होंने कहा था अगर ऐसी दिक्कत होती है, अगर ऐसी समस्या है, ऐसे युवा है जो वाकई प्रतिभावान है लेकिन कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी की वजह से वो पीछे हट रहे हैं, तो वो ऐसे युवा उनके पास आए, उनकी समस्याओं को निपटाया जाएगा, लेकिन फिर भी गणेशी भटक रही। सर कहीं तो ये बात बिल्कुल सत्य है, अगर आपके माध्यम से गणेशी आज भी श्रीमंत यशोधरा राय सिंधिया जी के पास अगर जाती है तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर वो भी गणेशी की मदद करेगी। वो किया है, कई लोगों को किया है राज्य सरकार ने, कई ऐसे प्रयास की मदद की है, निश्चित तौर पर मुझे लगता है अगर गणेशी आपके माध्यम से या डायरेक्ट भी अगर खेल मंत्रालय के पास मध्यप्रदेश की जाती है तो निश्चित तौर पर इनकी भी मदद वहां से होगी। ठीक है, गणेशी भी सर हमारे साथ जुड़ी हुई है। गणेशी हमारे साथ एमपी टेनिस फेडरेशन अनुराग ठाकुर जी जुड़े हुए हैं, आप किस तरह की मदद इनसे चाहती हैं या आप अपनी ऐसी कोई बातें हैं जो इन तक इनके माध्यम से पहुंचाना चाहती तो आप कह सकती हैं? ये तो मेरी काफी सारे मदद करते हैं, उनमें जब इनके यहाँ टूर्नामेंट खेलने जाती हूँ तो इनकी तो फुल मेरी तरफ उनकी तरफ से मदद होती है, उनसे ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन जो इशू है वो सरकार से, कि सरकार ज्यादा से ज्यादा हमारी मदद करे। और मेरे स्पॉन्सर जो एक है सर पीडी अग्रवाल, वो मेरी काफी सारी मदद करते हैं, मैं छोटे मोटे टूर्नामेंट खेलने जाती हूँ तो वो मुझे पैसे देते हैं और उनका भी बहुत सहयोग है, तो मैं इनसे तो नहीं तो आप सरकार सरकार तक अपनी बात को पहुंचाना चाहती गणेशी। एक इंडिया न्यूज आपको एक माध्यम, इंडिया न्यूज एक माध्यम बन रहा है, आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है कि आप अपनी बात को अनुराग ठाकुर के जरिए पहुंचा सकती हैं। आप ऐसी कौन सी मदद मांगना चाहती, क्या कहना चाहती, अपना एक मैसेज जो भी है आप अनुराग ठाकुर से कह सकती हैं? सर ज्यादा से ज्यादा आप भी रिकमेंड कर दीजिए सरकार को कि ये बच्ची में हुनर है और इसको आगे बढ़ाया जाए ताकि सरकार का भी नाम, हिंदुस्तान का भी नाम रोशन हो और देश का भी नाम रोशन हो तो अच्छा लगेगा। चलिए गणेशी के पिता भी हमारे साथ हैं, प्रकाश जी। प्रकाश जी आप किस तरह की मदद चाहते हैं, किस तरह की बात रखना चाहते हैं? इंडिया न्यूज आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है कि आप अनुराग ठाकुर जी से कुछ अपनी बातें कह सकें। मैं अनुराग जी ठाकुर मेरे बड़े भाई समान हैं और मैं ग्वालियर उनके टेनिस कोर्ट पे बच्ची को लेके गया, वहाँ पे उन्होंने वहाँ पे उनके द्वारा मदद जो भी उनसे बना वो मदद करी बच्ची की। और उनसे मैडम ये चाहता हूँ कि वो भी आगे रिकमेंड करे सब मध्य प्रदेश सरकार को करे या भारत सरकार को करे, किसी को भी करे, ताकि बच्ची मध्य प्रदेश की जी बात पूरी करें, बच्ची और बढ़ सके और हम यहाँ जी मैडम चलिए ठीक है करें। और मेरे को इंडिया न्यूज वाले ने दिया गया, उन्हें इंटरव्यू लिया है और मुझे यहाँ तक आने का मौका मिला मेरे को। ठीक है अनुराग जी, आपने दोनों को सुना, गणेशी हमारे साथ है और उनके पिता भी थे, इन्होंने आपके माध्यम से अपनी बात को रखा है, क्या सर वाकई अब गणेशी के सपने पूरे हो पाएंगे जो सपना देख रही है वो? नहीं नहीं बिल्कुल, गणेशी के फादर का जो कहना है, अगर हमारे माध्यम से वो अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर कल ही आप हमारे माध्यम से एक पत्र राज्य सरकार को चला जाएगा कि गणेशी इस तरह से टूर्नामेंट खेलने जाना चाहती है और आप इसकी मदद करें, और मुझे पूरा भरोसा है कि मध्य प्रदेश सरकार इनकी मदद करेगी। तो क्या वाकई मदद होगी, गणेशी की मदद की जाएगी? बिल्कुल 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 होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए।
चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गणेश जी, अनुराग जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ एमपी टेनिस फेडरेशन के अनुराग ठाकुर जी जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं वो जुड़े थे। बहरहाल अब मैं गणेशी के पास लौटना चाहूंगी, क्योंकि गणेशी आपको एक प्लेटफॉर्म मिला, आपने अपनी बात को रखा। अब क्या, क्योंकि कहीं ना कहीं दिक्कतें तो होती है, जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं जो महंगा खेल आपने चुना है, आपके सपने बड़े हैं और इंशाल्लाह आपके सपने पूरे भी हो, ऐसे में क्योंकि अगर केंद्र सरकार आपकी मदद करती है, कहीं ना कहीं आपके सपनों को उड़ान मिलती है, तो कैसा लगेगा आपको, कैसा महसूस करती हैं? अगर सरकार मेरी मदद करेगी तो मुझे अच्छा लगेगा कि मुझे मतलब आगे जाने का मौका मिल रहा है और मैं अपने देश का नाम रोशन करूंगी, उनको भी अच्छा लगेगा। अगर मैं बाहर जाकर टूर्नामेंट जीतती हूँ तो उनको भी कहीं ना कहीं अच्छा लगेगा कि अपने देश की बच्ची बाहर जाकर टूर्नामेंट जीत रही है। और मुझे लगता है कि सबको ही खुशी होगी कि कई गरीब की बच्ची कहीं बाहर जाकर टूर्नामेंट जीत रही, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। चलिए ठीक है, गणेशी के पिता भी हमारे साथ है, प्रकाश आनिया जी। प्रकाश आनिया जी, कहीं ना कहीं अब चूंकि एक अहम सवाल रह जाता है कि चूंकि एक महंगा गेम है, महंगे यहाँ पर चीजें होती हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं जब आप उन चीजों को पूरी नहीं कर पाते, अपनी बेटी के सपने को पूरा करने में कहीं ना कहीं आप असहज हो जाते हैं, कहीं ना कहीं आप पीछे हो जाते हैं, तब आपको कैसा लगता है सर? मैडम, मेरे को टूर्नामेंट की जब व्यवस्था नहीं होती, पैसे की व्यवस्था नहीं होती, जूते की व्यवस्था नहीं होती, खेल के लिए किट बैग रैकेट इनकी अगर व्यवस्था नहीं होती तो बड़ा मैं मतलब थकावट लगता, मतलब मैं भरोसा उठ जाता कि मैंने बच्ची को डाल के ना तो पढ़ाई कर पा रही है ना खेल पा रही है, तो मेरे को मेरा भरोसा खेल पे से थोड़ा थोड़ा उठने लगता। लेकिन उसके बाद भी मैं अपने मन को समझा के फिर भी आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ मैं, ताकि इनको बच्चों को और मिसेस को कभी के ताकि ये नाराज ना हो और परास्त ना हो, मतलब ने मैदान ना छोड़े, इसलिए मैडम मैं जी जी इसलिए फिर वापस से मैदान पकड़ने की कोशिश करता हूँ मैं, और मदद मिले मिले मेरे को और मेरी बच्ची को भी मिले, क्योंकि मदद मिलेगी तो ही आगे बढ़ेगी, अन्यथा मैं तो चाय की दुकान चलाने वाला काम इसका पैसा कहाँ से लूंगा और कैसे खेलूंगा, मैं कभी कभी ये सोचता हूँ। मगर फिर भी मैडम थोड़ी देर बाद फिर मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं, अपन को मैदान नहीं छोड़ना चाहिए, तो फिर भी मैं कर लेता हूँ। सर, आपकी बेटी का जो हौसला है वो आप हैं, तो बेहतर होगा कि आप उसके हौसले को कभी ना तोड़ें, भले ही लाख समस्याएं क्यों आड़े आते। बहरहाल गणेशी, कभी कभी ऐसा होता होगा कि जब ऐसी समस्या होती है और कहीं ना कहीं जब आप अपने पिता को निराश देखती हैं, तो क्या आप पर क्या बीतती है, क्या लगता है, किस तरह का महसूस होता है आपको? मुझे बड़ा ही अजीब लगता है कि कहाँ मैं टेनिस खेलने लग गई, क्योंकि बहुत टाइम पे मैं टूर्नामेंट खेलने जाती हूँ तो तब शूज नहीं होते, तो पुराने शूज से ही खेलने जाती हूँ मैं टूर्नामेंट भी, और वहाँ पे भी बहुत कॉस्टली होता, मतलब रहना खाना तो धर्मशाला में ही रुक जाते हैं, मतलब इतना एसी रूम अफोर्ड नहीं कर सकते, काफी सारी दिक्कत आती, तो फिर भी मेरे फादर करते हैं और एक जो मेरा स्पॉन्सर है पीडी अग्रवाल, वो मेरी बहुत पाथ लिमिटेड, वो मेरी बहुत मदद करता है, काफी सारे टूर्नामेंट्स मुझे खिला देते हैं, बाकी मुझे जूते वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करते हैं वो। ठीक है प्रकाश जी, आपके पास लौटूंगी। प्रकाश जी, जब आप अपनी बेटी को एक बड़े मंच पर खेलते हुए देखते हैं, टेनिस जैसा खेल जब आप उसे खेलते देखते हैं, तो कैसा महसूस होता है, कैसा गर्व होता है? मैडम, ये इसको टेनिस खेलने फाइनल या सेमीफाइनल देखता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने अपना जीवन जो 6-7 साल जो मेहनत करी है और जो मेहनत सफल मेरे को दिखती है तो बड़ा मैं खुश होता हूँ। मतलब और खुश होने के बाद में जैसे इरफान सर भाई, इरफान सर और अनिल धूपड़ जी, इनकी याद भी आती है मेरे को कभी कभी कि आज मेरी बच्ची को इन लोगों ने सपोर्ट करा तो वो आज मैं यहाँ हूँ। मतलब मेहनत तो मेरी है ही, लेकिन इन लोगों का अधिक से अधिक सपोर्ट भी है और आगे भी रहेगा, और कभी मैं ऐसा महसूस नहीं करूंगा कि मैं परास्त होने जा रहा हूं। चलिए, एक फोन लाइन पर हमारे साथ इरफान जी भी जुड़े हैं जो कि गणेशी के कोच हैं। सर, आपके पास लौटना चाहूंगी। अब जब गणेशी एक बड़े प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म करती है, लाख उसके आगे समस्या होती है, चाहे वो आर्थिक तंगी हो, चाहे जो भी समस्याएं हों, वो किसी भी तरह की जो भी समस्याएं होती हैं, उन लहरों को जब चीर कर वो आगे निकलती है, जब वो देश का नाम रोशन करने के लिए आगे आती है, तो किस तरह का गर्व महसूस होता है सर? इरफान जी, आप मेरे साथ फोन लाइन पर बने हैं।
शायद इरफान जी से हमारा संपर्क छूट गया है क्योंकि वो कोच थे, लेकिन एक बार फिर से गणेश जी के पास, प्रकाश जी के पास लौटना चाहूंगी जो कि गणेशी के पिता हैं। सर, जब इतनी सारी समस्या होती है, इतनी सारी समस्याओं को चीर कर जब एक बेटी प्रदेश का नाम रोशन करने को तैयार होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जब दिक्कतें आड़े आने लगती है तो क्या कभी ऐसा होता है कि मनोबल टूटने लगता है कि अब नहीं हो पाएगा या नहीं हो सकता, या आप लगता है आपको कि आपकी बेटी आगे बढ़ पाएगी नहीं, तमाम तरह के आपके सवाल आड़े आते मतलब आगे आते हैं क्या? मैडम, जब मैं यह कांस को खिलाने या मदद ऐसी कोई नहीं होती तो निराश तो होना पड़ता मेरे को, परंतु मैं क्या अपना दिल को इकट्ठा रखकर फिर भी हौसला नहीं छोड़ता हूँ, मतलब हौसला नहीं छोड़ता हूँ, हौसला बुलंद ही रखता हूँ कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो कभी ना कभी तो मेरी भगवान कहीं ना कहीं सुनेगा इसे भी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। गणेशी, आपके पास लौटूंगी। गणेशी, चूंकि आप तो बहुत आगे तक जाना चाहती हैं, आपका जो सपना है श्रीलंका में जो आयोजन होने जा रहा है वहां तक खेलना चाहती हैं, वहां तक जाना चाहती हैं, आप उस मुकाम तक पहुंचती हैं तो क्या आप आने वाले समय में, चूंकि आपने इतनी समस्याओं को फेस किया है, इतनी सारी दिक्कतों को चीर कर तब आप इस लेवल तक पहुंची हैं, किस तरह की अगर आप मदद करेंगी, यदि आप एक लेवल पर पहुंच जाती हैं, आप एक अच्छी फेमस खिलाड़ी बन जाती है, आप किस तरह की मदद करेंगी जो इस तरह के जो युवा हैं जो कहीं ना कहीं पैसों की तंगी के चलते पीछे हट जाते हैं? बिल्कुल मैं मदद करूंगी, अगर मेरे पास उस मुझे वो प्लेटफॉर्म मिलता है तो जो गरीब बच्चे हैं उनकी बिल्कुल मदद करना चाहूंगी, ताकि वो जो मैंने देखा वो नहीं देखे और आगे बढ़े उस चीज को लेके। तो मैं तो काफी सारी मदद करूंगी जो जो उनको दिक्कत आएगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। प्रकाश जी, एक बार फिर आपके पास आऊंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है चाय का पेशा है आपका, चाय बेचकर आप अपनी बेटियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे में जो बहुत सारे लोग हैं आपके पास आते होंगे तो किस तरह का गर्व महसूस करते हैं आपको देखकर, किस तरह के बातें करते हैं वो, किस तरह का गर्व महसूस करते हैं कि चाय बेचने के पेशे से आप अपनी बेटी को इस लेवल तक पहुंचाया है आपने कि वो इस जगह खड़ी है कि वो देश का नाम रोशन कर सके? मैडम, मैंने टूर्नामेंट के लिए कई बार करी है कोशिशें, भी करता हूँ और करता रहूंगा और अभी भी करता मेरे, हालांकि कोई मेरा लड़का तो है नहीं, मेरी तीन लड़कियां हैं और शिवराज जी ने ये अच्छा करा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये अच्छा है, मगर मैडम इस प्रकार से मेरी कोई मदद ना हो रही। नहीं गणेश जी, चूंकि सॉरी माफ कीजिएगा प्रकाश जी, जब आप चूंकि चाय का पेशा है आपका, आप चाय बेचकर जो है अपने जीवन यापन करते, अपनी बेटियों को इस मुकाम तक आपने पहुंचाया है जो कि काफी वाकई काबिले तारीफ भी है, ऐसे में जब आप से लोग मिलते हैं, जब तरह तरह के लोग आपसे बातें करते हैं तो क्या गर्व महसूस होता है जब वो तारीफ करते हैं कि आप चाय बेचकर आपने अपनी बेटियों को इस मुकाम तक पहुंचाया, तब आपको कैसा लगता है? मैं बड़ा बड़ी खुशी होती है, मेरे को बहुत खुश होती है कि मेरी बच्ची देखो आज मेरे को यहाँ ले गई है और पैसा तो लगाता ही हूँ मैं, और लोग तारीफ भी करते तो उससे भी मेरा गर्व मेरा वो होता है, मतलब ठीक है, काफी काफी गर्व महसूस करते जब लोग तारीफ करते नहीं थकते कि आपकी बेटी इस मुकाम पर पहुंच गई है। हाँ बस, चलिए गणेश जी, जब आपसे लोग मिलते हैं, चूंकि आप जिस खेल को आपने चुना है, जब ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात होती है जो कि चूंकि आप एक बहुत निचले स्तर से आप ऊपर तक आई हैं, इस लेवल तक पहुंची, इस स्तर तक पहुंची कि आप किसी देश का मतलब भारत जैसे देश का नाम रोशन कर सकते हैं, चूंकि आप युवा खिलाड़ी भी हैं, ऐसे में अन्य खिलाड़ियों के बीच जब आप मौजूद होती है तो किस तरह का आपको महसूस होता है जब वो आपकी तारीफ करते हैं कि कहीं ना कहीं कमियों के चलते भी, कहीं ना कहीं कमियों के बावजूद भी आप यहां तक पहुंची, उनके बराबर बकायदा खड़ी हैं और एक अच्छी प्लेयर के तौर पर सामने आई हैं, तो किस तरह की बातें सामने आती हैं, किस तरह का गर्व महसूस होता है गणेश जी? मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं इतनी गरीब परिवार से हूँ, फिर भी मतलब मैं इन लोगों के बीच में हूँ जिनके पास कभी कमी नहीं होती, लोग BMW फॉर्च्यूनर्स में आते हैं, तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगता है कि मैं इतनी गरीब हूँ, लेकिन काफी सारे लोग अच्छे भी हैं उसमें जो अच्छे से बातचीत करते हैं और बिल्कुल अच्छे से व्यवहार करते हैं, तो मुझे काफी अच्छा लगता है उनके साथ रहना। जब मैं टूर्नामेंट खेलने जाती हूँ तो
जब लड़कियों से मेरा मैच होता था तो काफी सारी लड़कियां बोलती अरे मेरा गणेशी से मैच है, अब मैं क्या करूंगी, मुझे आगे जाने का मौका नहीं मिलेगा। काफी सारे मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि देखो मैं उस लेवल पर, तो ताकि लोग भी मुझसे डरते हैं कि देखो गणेशी कितना अच्छा खेलती है। चलिए गणेशी, बहुत अच्छी बात आपने कही, आप कहीं ना कहीं आने वाले समय में आने वाले युवाओं के लिए नजीर बनकर साबित हो, इंशाल्लाह आपके सपने भी पूरे हों जो आप सपना देख रहे हो। कहीं ना कहीं आप उदाहरण के तौर पर गणेशी के जो पिता है हमारे साथ प्रकाश जी, वो सामने आए हैं, चूंकि पैसों की कमी है, चाय बेचने का इनका पेशा है, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने अपनी बेटियों को कई मुकाम इस मुकाम पर पहुंचाया कि वो पूरे देश का नाम रोशन कर सके। बहरहाल गणेशी और उनके पिता प्रकाश आनिया जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी इस अहम विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए, क्योंकि गणेशी को लेकर आज हम बातचीत कर रहे थे। गणेशी ऐसी युवा खिलाड़ी हैं, ऐसी मध्य प्रदेश की बेटी हैं जिन्होंने पूरे प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए ठान ली है और कहीं ना कहीं देश का नाम रोशन करने के मुकाम पर भी पहुंच चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आर्थिक तंगी है वो आड़े हाथों आ रही है, आड़े आ रही है, और कहीं ना कहीं उनकी जो कामयाबी है, जो कदम चूमने को तैयार खड़ी है, उससे लेकर कहीं ना कहीं पैसों की जो तंगी है वो बेड़िया बनकर जकड़ने को तैयार है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो बेटी है प्रदेश की, इन समस्याओं के समंदर को चीरकर जाहिर से बात है आगे निकलेंगी। बड़ा वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।